नमस्कार दोस्तों, पंचऋषि क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के लगातार लेक्चर्स आपको मिलते जा रहे हैं, जो हमारी एक दिवसीय परीक्षा और प्रीलियम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अध्ययन करेंगे, जो कि भाग चार में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तो शुरू करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व राज्य को नैतिक निर्देश देते हैं, ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी घोषित करते हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इससे पहले हमने भाग तीन में मौलिक अधिकारों को पढ़ा था। मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं और वो उनके हनन पर कोर्ट में जा सकता है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों को निर्देश देते हैं कि उन्हें किस प्रकार देश में शासन चलाना है, कौन कौन से तत्वों का पालन करना है। अगर राज्य इन तत्वों का पालन नहीं करता है, तब भी कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता कि उसे राज्य के नीति निदेशक तत्व में जो चीज लिखी हुई है वो उसे प्राप्त नहीं हो रही है। इसको लेकर भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार को लेकर आप किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें जा सकते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से हमारे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है। देखिए, राज्य की परिभाषा इससे पहले आर्टिकल 12 में भी थी, और आर्टिकल 36 में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि राज्य जो कि आर्टिकल 12 में परिभाषित है, यानी कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में ही दिए है। सिर्फ 36 में कहा है राज्य जो कि आर्टिकल 12 में है, इसलिए 36 में हम राज्य की परिभाषा एग्जैक्ट नहीं कह सकते, वो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37 क्या कहता है? नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन के मूलभूत माना गया है, तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। भले ही ये हम कोर्ट में नहीं जा सकते इनके हनन पर, लेकिन फिर भी एक कल्याणकारी राज्य, समाज के हित के लिए किसी राज्य की अगर स्थापना करनी है तो इन तत्वों का पालन करना उस राज्य का कर्तव्य माना गया है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना है। उसमें सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो और राजनीतिक न्याय हो, ऐसा हमें अपना समाज बनाना पड़ेगा। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। उन सारी असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा जो समाज में विभेदकारी है, समाज में विभाजन करते हैं। तो ऐसा आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। 39 में देखते हैं आर्टिकल 39 क्या कहता है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपनी आजीविका प्राप्त करने का उसको पूरा अधिकार है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व। अगर कोई नेचुरल हमको कोई सुविधा मिली हुई है, जैसे जल है, समुद्र का, नदी का पानी है, तो नदी के पानी पर सभी का अधिकार है, मिट्टी पर सभी का अधिकार है, हवा पर सभी का अधिकार है। तो ऐसे जो भौतिक संसाधन है उसका उचित वितरण एवं स्वामित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी क्षेत्र विशेष में प्राप्त होने वाली भौतिक सुविधाओं पर अधिकार कर लिया, जैसे नदी का पानी खरीद लिया किसी ने। ऐसा कोई भी साधन या कोई भी कर्तव्य उस राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। कोशिश ये की जाएगी जो साधन है, जो कि उत्पादन हुआ है या धन है, इसको सेंट्रलाइज ना किया जाए, कि ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में तो अतुल बहुत सारी मिल गई और कोई बिल्कुल ही वंचित रहेगा। उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए, ये प्रश्न कई बार आता है, स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39 में, 39 में। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है 39 में। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, यह सुनिश्चित करना। कई बार ऐसा ना हो कि किसी पुरुष या स्त्री के स्वास्थ्य और शक्ति का लोग दुरुपयोग करें या बालकों की सुकुमार अवस्था का प्रयोग करें, कि जो व्यक्ति जानकार नहीं है आप उससे
ज़्यादा काम कर लें उसको उसकी पगार कम दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्रदान करना। बालकों तथा अल्पमय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, ये चीज़ें ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल की गई थी। हमारे देश का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ये व्यवस्था उसके तहत इसमें जोड़ी गई है। 39 का ये भी बाद में जोड़ा गया है, इसका क्या है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना एवं निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना होगा। अगर ये 39 के बाद में जोड़ा गया है, ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया है। देखिए 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसमें कहा गया है कि किसी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो कोई जुल्म कर देता है, कोई उसने गुनाह कर दिया, तो ऐसा नहीं हो पैसा कि अवाम में वह न्याय के लिए भटकता फिरे, सरकारी तंत्र उसको न्याय देने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता देगा और निःशुल्क वकील उपलब्ध करा कर देगा। ऐसा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 39 का को जोड़कर इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां एवं प्राधिकार देना। देखिए आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन करना, और इसी आर्टिकल 40 को बेस बनाकर 1991 में जो ग्राम पंचायत न्याय पंचायत ये जो पंचायती प्रणाली प्रारंभ की थी राजीव गांधी की सरकार ने, वो आर्टिकल 40 को लागू करने के लिए की थी। आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में विशेषता बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, असक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि बीमारी के केस में बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं गरीबों के लिए, या जिसमें कहते हैं वृद्धा पेंशन, वो भी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। यानी कि ऐसे लोग जो किसी ना किसी पर निर्भरता थी उनकी, और वो निर्भरता समाप्त हो गई है, या समाज का कोई वर्ग उनकी मदद करने को तैयार नहीं है, ऐसे में समाज सरकार ऐसी योजनाओं को लेकर आएगा जिसके तहत वे अपनी जो बाकी का जीवन है, चाहे वो बुढ़ापा है, चाहे वो बेरोजगारी के कारण है, जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो भी इसी आर्टिकल 41 के तहत मिलता है, या जो असक्त हो चुका है, बीमार हो चुका है, उसके लिए भी इस तरह की सुविधा राज्य उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 42 क्या कहता है, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। महिला को जो मेटर्निटी लीव मिलती है वो आर्टिकल 42 को फुलफिल करने के लिए ही गवर्नमेंट देती है। अगर आर्टिकल 42 में नहीं होता तो हो सकता था कि गवर्नमेंट मेटर्निटी लीव ना देती। तो कार्य को न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गंदगी में काम कराएं, मजबूरी में आदमी गंदगी में तो काम करने करेगा, लेकिन वो उसकी स्वास्थ्य के लिए और उसकी मानसिक दशा के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 43 क्या कहता है, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। मान लीजिए कम से कम इतनी मजदूरी तो जाए, वो आता है मिनिमम सैलरी का जो कॉन्सेप्ट आता है कि आदमी को मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, वो आर्टिकल 43 के तहत ही राज्य सरकार सोचने के लिए मजबूर होती है कि आदमी मजदूरी करे तो उसका कम से कम जीवन यापन करने लायक तो धन मिल जाए, और कुटीर उद्योगों का विकास करना, छोटे छोटे उद्योगों का विकास करना। आर्टिकल 43 का क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। देखिए कई बार क्या होता है, अब कई काफ़ी सारी कंपनीज आप लोगों ने ऐसी देखी होंगी जो अपनी प्रॉफिट में से कुछ शेयर अपने कर्मकारों को, कर्मचारियों को प्रदान करता है। वे आर्टिकल 43 का की पूर्ति के लिए करता है, मजबूरी बस कर रहा है, वो भारत के संविधान में है इसलिए कर रहा है। अगर भारत के संविधान में नहीं होता तो वे अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करता। और ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। दूसरा एक 43 खा और जोड़ा गया था, यह 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है, सहकारी समितियों का उन्नयन। आपने सहकारी बैंक देखी होंगी, गांव में सहकारी समितियां देखी होंगी, उनका समय पर निर्वाचन करना, उनको समय पर सहायता उपलब्ध कराना, ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस को उसमें शामिल कर, इस तरह की जो सुविधा है वो 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा आर्टिकल 43 खा के तहत दी गई है। आर्टिकल 44 देखते हैं,
बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न आता है इससे। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठती है बार बार कि ऐसा ना हो कि मुसलमान शरई कानून को माने, शरीयत कानून को माने और सारे हिंदू पर सारे पूरे जितने भी कानून हैं सब लागू होते हैं। तो ऐसा आर्टिकल 44 के तहत कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक भारत है, एक नागरिक है, तो एक जैसा विधान होना चाहिए। इसकी आवाज़ उठ रही है और अति शीघ्र मुझे लगता है इस पर कुछ ना कुछ काम सरकार करेगी और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से ये बात कहती रहती है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू कर रहे, क्या कारण है। इसलिए आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा व उनकी देखभाल करने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है और इसका काम 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ा गया था। आर्टिकल 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। देखिए आर्टिकल 16, 15 और आर्टिकल 46 ये का बहुत एक दूसरे से विवाद का विषय रहते हैं। लगातार मैं केस स्टडी डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से विवाद इन आर्टिकल्स पर, इन अनुच्छेदों पर हुए थे। तो आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति या जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा के लिए या उनके पैसे कमाने यानी कि अर्थ संबंधी हितों को ये लागू करता है। आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 कहता है लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेय तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना चाहिए। बिहार है, गुजरात है, कुछ ऐसे राज्य जिन्होंने मद्य निषेध कर रखा है, शराब पर पाबंदी लगा रखी है। अब ये सब करने का जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 47 के तहत दिया गया है भारत के संविधान द्वारा राज्यों को। तो आर्टिकल 47 कहता है कि मद्य निषेध या नशीले पदार्थों का पर रोक लगा सकती है राज्य सरकार। आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गांव बच्चों एवं अन्य दुधारू या बाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना तथा उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। देखिए ये कह रहे हैं कि कृषि और पशुपालन के लिए वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही जितने दुधारू पशु हैं विशेषकर लिखा हुआ है गाय और बछड़ों के लिए उनका वध करने से रोकना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या अन्य सरकारें जो कह रही हैं कि गाय के कटान पर रोक लगानी चाहिए, वो आर्टिकल 48 उन्हें अधिकार देता है भारत का संविधान, उन्हें कहता है कि आप दुधारू जानवरों की रक्षा कीजिएगा। आर्टिकल 48 का पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना चाहिए और इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये कह रहे हैं कि वन्य जीवों और वन की रक्षा करने का कर्तव्य राज्य का है। आर्टिकल 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, स्थान हैं या वस्तु हैं उनका संरक्षण करने का काम किसका है, राज्य सरकारों का है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। देखिए ये कहते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से सेपरेट कर देना चाहिए। हालांकि आप लोग कहेंगे कि सेपरेट तो इस समय भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तहसील स्तर पर एक मजिस्ट्रेट होता है SDM, उसके पास मजिस्ट्रेट पावर भी होती है और उसके पास कार्यपालिका शक्ति भी होती है, न्यायपालिका शक्ति भी है और कार्यपालिका शक्ति भी है। इसलिए संविधान कहता है आर्टिकल 50 के तहत राज्य से कि आप न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से सेपरेट रखिए, अलग रखिएगा। तो यह आर्टिकल 50 राज्य सरकार से कहता है। आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। देखिए राष्ट्र की विदेश नीति आर्टिकल 51 में है। यहां से प्रश्न बन के आ सकता है कि राष्ट्र की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 51 है। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा और आगे देखते हैं।
वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। एकमात्र राज्य है गोवा भारत में जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है, सबको एक जैसे क्राइम के लिए एक जैसी सजा। संविधान के अन्य भागों में भी नीति निर्देशक तत्व दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 कहता है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संघ या राज्य की सेवाओं तथा पदों की नियुक्तियों में उनके दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि उनमें आप पदों की नियुक्ति कर लो लेकिन उससे प्रशासन दक्ष ना हो, योग्य व्यक्ति ना आए। आपने कहा कि ठीक है जो अनुसूचित जाति है, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, इनको हम अलग से सुविधाएं देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि इनसे उसकी क्वालिटी डाउन हो जाए उस राज्य की, तो ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 350 का जोड़ा गया है, ये कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा एवं उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का राज्य का कर्तव्य है। भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ऐसा है कि किसी जगह कम भाषा बोली जाती है तो आपने ऐसा करा दूसरा टीचर रिक्रूट कर दिया तो वो अपनी भाषा में पढ़ाएगा, ऐसे में व्यक्ति वही शिक्षक बनेगा जिसको उस भाषा का ज्ञान हो, जिस भाषा के बोलने वाले छात्र उसके विद्यालय में है। ऐसा प्रयास आर्टिकल 350 के तहत राज्य करेगा। 351 क्या कहेगा? संघ का ये कर्तव्य है कि वे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उनका विकास करें, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए ये संघ का कर्तव्य है कि वे हिंदी का प्रचार प्रसार करें और उसका विकास करें। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हिंदी सप्ताह मनाया जाता है विभिन्न मंत्रालयों में, वे आर्टिकल 351 को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है, वरना कोई ना बनाए। आप देखेंगे कि हमारे नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से गांधीवादी तत्व हैं, कौन कौन से समाजवादी तत्व हैं, कौन कौन से उदारवादी तत्व हैं। अनुच्छेद 40, 43, 43 खा, 40, 47 और 48 ये गांधीवादी तत्व हैं। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से आर्टिकल, तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 खा, आर्टिकल 40, 47 और 48 गांधीवादी तत्व हैं। कई सारे प्रश्न आते हैं कि निम्न में से नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा गांधीवादी तत्व है, तो आर्टिकल इतने सारे लिखे हुए हैं, ये सब गांधीवादी तत्व हैं। नेक्स्ट है समाजवादी तत्व, आर्टिकल 38, 39, 39 का, 41, 42, 43, 43 का और 47 ये समाजवादी तत्व हैं। समाज को ध्यान में रखकर ये सब निर्मित किए गए हैं। और साथ में उदारवादी तत्व आर्टिकल 44, 45, 48, 48 का, 49, 50 और 51 ये सारे तत्व जो हैं, ये सारे आर्टिकल आर्टिकल 51 तक विभिन्न श्रेणियों में हैं। कुछ गांधीवादी तत्व हैं, कुछ समाजवादी तत्व हैं और कुछ उदारवादी तत्व हैं। तो आज हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़ा, नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ा, और इसके बाद हम जो व्यक्ति के कर्तव्य हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। उन्हें मौलिक अधिकार तो ले लिया लेकिन नागरिक कर्तव्य क्या है नागरिकों के, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जिन भाइयों, दोस्तों और साथियों ने अभी तक चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि लगातार वीडियोस आपके हित में बनती जा रही हैं और जो जो मैंने पढ़ाया उसका आप नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत उपयोगी हैं, बहुत यूजफुल हैं, बहुत सारे प्रश्न इनमें से बनते हैं। तब तक के लिए आप मुझको अनुमति दीजिएगा, धन्यवाद।